मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर शासन प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसी तारतम्य में आगामी पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर उमरिया जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में और जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी सब इंस्पेक्टर पिंकी हिंदुजा और उनकी टीम के द्वारा अवैध शराब की बिक्री एवं अनियमितताओं की रोकथाम के लिए देसी मदिरा दुकान दैगवा व देसी मदिरा दुकान करकेली का निरीक्षण करते हुए अवैध रूप से मदिरा को जब्त किया गया और आबकारी विभाग ने अपने कब्जे में लिया। हम आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक करकेली देसी मदिरा दुकान में 10 से 12 पेटी बियर जब्त की गई और दैगवा देसी मदिरा दुकान में 10 से 12 पेटी बियर जब्त की गई है। उमरिया पाली से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। आज की कार्रवाई श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी रीनी गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई है। आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम हेतु आज की कार्रवाई की गई। आज कार्रवाई के दौरान देशी मदिरा दुकान करकेली एवं देशी मदिरा दुकान देगावा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाए गए अवैध मदिरा को जब्त किया गया और कब्जे आबकारी लिया गया। कितना कुछ अवैध मदिरा जब्त की गई? देशी मदिरा दुकान करकेली में लगभग 10-12 पेटी हमने बियर जब्त की और इसी तरह देगावा मदिरा दुकान में भी हमने इतनी ही मात्रा में लगभग जब्त की और जिसे उसे सुपुर्द किया गया।